50 खबरों के बाद सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खबरों की अंबाला से, जहां पर घटना हुई। लेकिन ये समझ लीजिए, हादसे से बाल बाल बचा है वायुसेना का एक विमान, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करानी पड़ी। एक पक्षी से टकराने के बाद परिस्थितियां कुछ बिगड़ी, संतुलन बिगड़ा और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान की कराई गई। और ये घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, अंबाला की ये तस्वीरें। जगुआर विमान की ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई, वायुसेना का यह विमान पक्षी से टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। मंजीत, ओवर टू यू। मीनाक्षी, जो धमाके की आवाज की बात की जा रही है उसके पीछे एक प्रैक्टिस बॉम्ब होता है, उसको उसकी आवाज को एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है। और एक रूटीन फ्लाइट के तहत अंबाला से जगुआर लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी सुबह, और उसके कुछ देर बाद जब आसमान में ये प्रैक्टिस चल रही थी उस दौरान एक पक्षी से टकराने के बाद ये दुर्घटना हुई। लेकिन पायलट ने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए विमान को सेल्फ लैंडिंग की तरफ बढ़ाया, और एक इंजन फेलियर से पहले पायलट ने जो विमान था उसको अंबाला एयरबेस से वापस उतारने में सफलता पाई। एक तरह से बड़ी दुर्घटना को उन्होंने बचाने में कामयाबी पाई, क्योंकि जो एरिया है मीनाक्षी आसपास का काफी गांव का इलाका है, लोग बाग है, और अगर दुर्घटना होती तो बड़ा नुकसान होता था। जो लोगों ने वहां पर जो मरीजों ने आवाज की, जो धमाके की आवाज सुनी, वो बर्ड हिट होने के बाद जो एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है उसको गिराने की आवाज सुनी गई। हालांकि उस बॉम्ब को भी रिकवर कर लिया गया है। शुक्रिया मंजीत आपका इस जानकारी के लिए। आपसे अपडेट इस पर आगे हम लेते रहेंगे। और अब बात बीजेपी के बैटमार विधायक की। क्यों कह रहे हैं हम बैटमार? क्योंकि कल की तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। आकाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, पहली बार विधायक बने हैं। सरकारी कर्मचारियों पर कल उन्होंने बैट घुमा दिया, लेकिन अब खुद पहुंच गए हैं जेल। देखिए, आवेदन, निवेदन और फिर धनादन, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। कोई भी व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, और कैलाश विजयवर्गीय जी और उनके बेटे ये अच्छे से समझ रहे हैं। उनके आकाश जी द्वारा मेरे को बैट से मारा है, पांव में क्रिकेट का जो बैट होता है उससे मारा। इंदौर के विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को इस तरह बैट भांजना महंगा पड़ गया। इंदौर के नगर निगम कर्मचारियों की पाकिस्तानी गेंदबाज मानकर वो जिस तरह गोली बनकर ढुलाई कर रहे थे, उससे न सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई बल्कि वो खुद भी बुरी तरह से फंस गए। कल जब इंदौर नगर निगम के कर्मचारी जर्जर मकानों को गिराने पहुंचे, तो आकाश विजयवर्गीय लाव लश्कर के साथ नेतागिरी चमकाने पहुंच गए। पहले आकाश ने नगर निगम कर्मचारियों को धमकी दी, 5 मिनट का वक्त दिया। देखिए, आवेदन, निवेदन और फिर धनादन, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। और फिर बैट लेकर नगर निगम के जोनल अधिकारी धीरेन्द्र व्यास पर टूट पड़े। आकाश ने धीरेन्द्र व्यास पर 2 बार बैट से हमला किया, फिर क्या, उसके साथ आए लोग गुंडई पर उतर आए। कुछ ने नगर निगम कर्मचारियों का कॉलर पकड़ा तो कुछ हाथ साफ करने लगे। जब माताएं बहनों पे बात आती है तो हमें यही सिखाया गया है कि जब कोई अधिकारी माताओं बहनों की टांग खींच के उन्हें घर से बाहर निकाल रहा है तो ये तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो इंदौर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया।
आनंद फानंद में इंदौर पुलिस भी मुस्तैद हो गई, जो पहले तमाशबीन बनी थी। बैट मार बीजेपी विधायक पर एक के बाद एक कई मामले ठोंक दिए गए। मसलन धारा 353 सरकारी कामकाज में बाधा, 294 बदतमीजी करना, 323 मारपीट, 506 आपराधिक धमकी, 147 दंगा भड़काने, 148 उपद्रव फैलाना। देर शाम तक आकाश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, कैलाश विजयवर्गीय के बैट मार बेटे के लिए नारेबाजी की। मामला बरसात से पहले जर्जर घरों को गिराने का है। इंदौर नगर निगम ने शहर के कई खस्ताहाल घरों की पहचान की, जिसे गिराने का फरमान जारी किया है। विजयवर्गीय बाप बेटे क्रिकेट के काफी शौकीन रहे हैं, गाहे बगाहे दोनों बैट के साथ मैदानों में दिख जाते हैं। सचिन के जन्मदिन पर भी वो केक काटते दिखे, लेकिन क्रिकेट के प्यार पर गुंडई कहां तक जायज है? सवाल ये है कि आकाश विजयवर्गीय ने आज जिस जर्जर घरों को नगर निगम का हथौड़ा चलने से बचा लिया, अगर कल को वो गिर जाए, लोगों की जान चली जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कैलाश विजयवर्गीय का विधायक बेटा इसकी जिम्मेदारी लेगा? रविश पाल सिंह, इंदौर आज तक। और इस वक्त आपको खबर हम बता देते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर। इस समय वो शहीद के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। शहीद SHO अरशद खान, जो अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हुए थे, और ये काफिला गृहमंत्री का परिवार की तरफ बढ़ते हुए 2 दिन का दौरा है ये गृहमंत्री का। अमित शाह पहली बार केंद्र में मंत्री और गृह मंत्रालय का पदभार उन्हें मिला है, और गृह मंत्री बनने के बाद उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कश्मीर के मामले पर आगे बढ़ रही है, ऐसे में धारा 370, 35A जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनके मद्देनजर क्या सूरत बदलती है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जख्मों पर मरहम लगाने का ये प्रयास, जहां पर शहीद के परिवार से मिलने के लिए अमित शाह ने अपने इस दौरे में खास समय रखा और उनसे बातचीत की। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं जापान में, जहां G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं जापान का ओसाका, जहां पर शिंजो एबे से भी उन्हें मुलाकात करनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात का कल कार्यक्रम है, और ये तस्वीरें जैसे ही पहुंचे प्रधानमंत्री वहां पर, तो भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया, बच्चे वहां मौजूद, महिलाएं मौजूद, हाथों में तिरंगा लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।